जय जिनेंद्र दोस्तों, वेलकम है आपको इस मेरे चैनल में जिसका नाम है जैन पाठशाला। आज मैं आपको सिक्स और सेवेंथ गाठा कंठस्थ कराऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको पूछना चाहूंगी कि क्या आपको 1 to 5 इजी लगा कंठस्थ करने में? बड़े बड़े वर्ड्स को जैसे मैंने कहा था आप स्प्लिट कर करके पढ़ेंगे तो आपको इजी लगेगा। और मैं एक थोड़ी सी ये भी बात कहना चाहूंगी कि ये भक्तावर की रचना आचार्य मान तुमने की है, लेकिन इसमें सारा विवरण ऋषभदेव भगवान का किया है, उनके ज्ञान की प्रशंसा की है, उनके चेहरे की, उनके मुख की सारी प्रशंसाएं इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। मैं कंठस्थ कराऊं उसके पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि आप मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए इस बेल आइकॉन को भी आप प्रेस करें। तो चलें कंठस्थ की ओर। देखिए, काफी बुक्स में ये 4 लाइन की गाथा लंबी लंबी होती है, इसमें लोगों को काफी टफ लगता है कि मैं इसको कैसे पढूं। जैसे मैंने मेरी एक बुक में छोटे छोटे वर्ड्स दिए हुए हैं, लेकिन आपकी बुक में ये लंबी लाइन है तो आप फिकर न करें। जैसे मैं आपको छोटे छोटे वर्ड्स बताऊं, आप 2 वर्ड के बीच में एक लाइन खींच दें ताकि आपको इजीली स्प्लिट करना आ जाएगा। हर एक वर्ड को आप ऐसे स्प्लिट कर करके रख दें पहले से, ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो जाएगा। मैं आपको हर स्तोत्र ऐसे स्प्लिट कर करके पढ़ाऊंगी, तो आप अपनी बुक में ऐसे भी पढ़ सकते हैं जिसके पास सीधी सीधी लाइनों की बुक हो। तो चलें कंठस्थ की ओर। इस स्त्रोत्र को विद्या प्रसारक स्त्रोत्र भी कहा जाता है। हर एक लाइन को मैं 2 बार बोलूंगी और आप मेरे पीछे पीछे एक एक वर्ड को रिपीट करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका उच्चारण सही हो जाएगा। तो शुरू करें। अल्प श्रुतम श्रुतवताम, ये डॉट म हो जाता है, श्रुतवताम परिहास धाम। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। त्वद, ये आदा त और व, त्वद भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम, ये माम माम बलान माम, मुखरी कुरुते बलान माम। यथ को किल, यह हो जाता है ल, को किल किल मधो मधुरम विरौती। यथ को किल किल मधो मधुरम विरौती। तच्चारु चाम्र कलिकानि करे कहेतु, तच्चारु चाम्र कलिकानि करे कहेतु। चले स्टार्टिंग से 2 बार पढ़ेंगे। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। यथ को किल किल मधो मधुरम विरौती, तच्चारु चाम्र कलिकानि करे कहेतु। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम। यथ को किल किल मधो मधुरम विरौती, तच्चारु चाम्र कलिका निकरे कहेतु। तो चले हम 7th गाथा की ओर। इसे सर्व संकट शूद्रो प्रदव निवारक स्त्रोत्र भी कहा जाता है। हर एक लाइन को मैं 2 बार बोलूंगी और आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करेंगे। त्वद, ये आदा त और व, त्वद संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, ये आधा न और ये पूरा न, सन्निबद्धम, ये ध छोटा ध है आधा ध,
सन्निबद्धम् त्वत् संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षय मुपेति शरीर भाजाम पापं क्षणात् क्षय मुपेति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्या शुभिन्न मिव शार्वर मंद कारम सूर्या शु भिन्न ये आधा न और पूरा न भिन्न मिव शार्वर मंद कारम अब अगेन पूरा रिपीट करें दो बार त्वत् संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षय मुपेति शरीर भाजाम आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्या शुभिन्न मिव शार्वर मंधकारम् त्वत्संस्तवेन भवसंतति सन्निबद्धम् पापं क्षणात् क्षयमुपेति शरीर भाजाम् आक्रांत लोक मलिनील मशेष माशु सूर्या शुभिन्न मिव शार्वर मंधकारम् क्यों दोस्तों, क्या आपको टफ लगा भक्तामृत पढ़ना? इजी लगा ना? इसी तरह आप हर रोज जैसे छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं उसको आप आराम से शुद्धता पूर्वक जैसे जैसे आप हर रोज पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी कंठस्थता बढ़ती जाएगी, आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह मैं हर रोज आपके सामने प्रस्तुत रहूंगी मेरे नए नए कंठस्थ श्लोकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।